गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इज इट विजिबल? यस सर। ग्रेट। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में, कुछ बेसिक आइडियाज। लिंग्विस्टिक्स पे जो क्वेश्चंस आए थे इस साल, उन क्वेश्चंस के बारे में हम अगली कुछ क्लासेस में बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि पिछले दो बार में, पर्टिकुलरली जो इस बार का पेपर हुआ है, उसमें लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस जो आए हैं वो कैसे क्वेश्चंस थे, वो कहाँ से पूछे गए थे, और कौन से क्वेश्चंस विशेष रूप से पूछे ही जाते हैं, जैसे सिलेबल काउंट हो गया या सिलेबल काउंट पूछा गया था, और कितने सिलेबल हैं एक वर्ड में, उसको कैसे डिसाइड करें, कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है। मॉर्फीम और फोनीम हो गई, कि कितने मॉर्फीम और कितने फोनीम हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर बेसिक्स हो गए, फोनोलॉजी क्या है, फोनोटैक्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स एक्चुअल लिंग्विस्टिक्स ही क्या है, लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो बेसिक है वो पूछा जा सकता है। तो आज हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आपको लिंग्विस्टिक्स बहुत कम आती है, और ऐसा मान करके सिर्फ लिंग्विस्टिक्स से आपको परिचय कराने के लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं। आगे की जो क्लासेस होंगी वो थोड़ा सा एडवांस्ड होंगी, थोड़ा ज़्यादा जानकारी वाली होंगी। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो बिफोर आई स्टार्ट, यू मे आस्क। सर आई हैव अ क्वेश्चन बट आई विल आस्क लेटर सर, जब क्लास स्टार्ट सर हम बीच में पूछेंगे सर, एक क्वेश्चन से ही लिंग्विस्टिक्स से सर क्वेश्चन है। अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन जैसे इसमें सर पूछा गया था फोनिम से है सर, सम इसमें सर फोनिम्स बताने थे कि कितने हैं, तो सर मैं इसमें कंफ्यूज सा हो गया था सर, मैंने इस पे टू में ऑप्शन मैंने इसका टू मार दिया था सर। ओके। और इसका सर आंसर थ्री है। ठीक है, तो हम लोग देखिए उसमें थ्री ही है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी डिस्कस द क्वेश्चंस। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जो इस बार क्वेश्चंस आए थे, तो उसका एक अलग से सेशन होगा, इसलिए उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जनरल क्वेरी की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कोई और जनरल क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो हम डील करेंगे ही करेंगे। ओके ओके सर, तो आगे बढ़े। यस सर। सबसे पहले बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, और लिंग्विस्टिक्स जो है उसके उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और हम लिंग्विस्टिक्स को कैसे आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक वर्ड है फिलोलॉजी, अगर आप लोगों ने सुन रखा है, तो ये वर्ड है फिलोलॉजी, राइट। और फिलोलॉजी इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। अब हर एक लैंग्वेज की एक हिस्ट्री होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको वाइकिंग्स के टाइम से लेकर के एंग्लो सैक्सन टाइम से लेकर के, और उसके बाद जॉर्जियन टाइम्स के बाद और मॉडर्न टाइम्स में आ जाती है, बीच में आपका एलिजाबेथन आता है और प्योरिटन कॉमनवेल्थ आता है। इन सब एजेस के थ्रू होते हुए आज जो इंग्लिश है हमारे पास वो इंग्लिश है, राइट। नाउ फिलोलॉजी जो है वो क्या करती है, वो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट करती है, यानी वो लैंग्वेज को स्टडी करती है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैंग्वेज के समय पर क्या थी। इस वर्ड को कहा गया फिलोलॉजी। फिलोलॉजी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स का आपका पुराना नाम है। ये अलग बात है कि फिलोलॉजी में लिंग्विस्टिक्स
की सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं और लिंग्विस्टिक्स में फिलोलॉजी की सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं। जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। अगर आप लिंग्विस्टिक्स को गूगल करेंगे, जस्ट फॉर यू मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपको अगर आप विकिपीडिया ही देख लें, नॉर्मली हम लोग विकिपीडिया देखते हैं, तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लैंग्वेज में जब हम लैंग्वेज कहते हैं तो हम ह्यूमन लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं, एनिमल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ह्यूमन लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं। जब भी मैं लैंग्वेज कहूँ तो आप ह्यूमन लैंग्वेज ही समझें। सो लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इट इंटेल्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर। ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, आपके पास है उपलब्ध। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप लिंग्विस्टिक्स के डेफिनेशन सर्च करेंगे, हो सकता है आपको ढेर सारी मिल जाए, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग मिल जाए, अलग अलग क्रिटिक्स की अलग अलग मिल जाए, लेकिन उसका बेसिक डेफिनेशन है कि वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज है। अब यहाँ साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब है? साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक सिस्टम के अनुसार समझने की कोशिश करना। साइंस क्या है? साइंस इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम, है ना? साइंस जो है वो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है। लैंग्वेज को एक वेल डेवलप्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। जैसे अगर किसी को बुखार है तो हम उसको पैरासीटामोल देते हैं। अब हम बुखार में पैरासीटामोल क्यों देते हैं? क्योंकि रिसर्च हुआ है, साइंटिफिकली एस्टेब्लिश किया गया है। साइंस का मतलब प्रयोग करके एस्टेब्लिश किया गया है कि कौन कौन सा सॉल्ट है जो फीवर में कहाँ काम करता है, किस तरीके से काम करता है। इसलिए उसके आधार पे, डेटा एनालिसिस के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। तो लैंग्वेज में भी जब हम डेटा एनालिसिस के आधार पे डिसीजन लेते हैं तो उसे कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। अगर आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाए, हायर के इंटरव्यू में ही पूछा गया था इस बार एक दो लोगों से कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक्स, तो आपका बेसिक आंसर होगा कि लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देन यू कैन डिस्क्राइब कि साइंटिफिक क्या है एंड देन यू कैन टॉक अबाउट कि लैंग्वेज क्या है। नाउ द अर्लियर फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स वॉज फिलोलॉजी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि साइंटिफिक का जो पहला फॉर्म था वो फिलोलॉजी था। जब मैं पहली स्लाइड पे लौट के आता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है सम अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज की स्टडी क्या मॉडर्न टाइम्स में शुरू हुई? क्योंकि हम मानते हैं कि जो फर्डिनेंड डी सश्योर हैं, जिनका नाम यहाँ लिखा गया है, इनको एक तरीके से आप फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स बोल सकते हो, है ना? और नोम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स बोल सकते हो। अब जब हम इन लोगों को फादर मानते हैं 20th सेंचुरी में, तो क्या इसका मतलब 20th सेंचुरी से पहले लिंग्विस्टिक्स नहीं थी? क्या पुराने टाइम में लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी? तो साइंटिफिक स्टडी, सबसे इस पे आप ध्यान दीजिए, साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? आप देखिए तो हमारे देश में 2000 5000 साल पहले भी सारा सिस्टम था, जो चाहे वो मेडिसिन का सिस्टम हो, चाहे वो आपका एस्ट्रोनॉमी का सिस्टम हो, और वो बहुत ही कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेशन पे बेस्ड था, तो वो साइंटिफिक ही था। पाणिनि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है और अष्टाध्यायी एक ऐसी बुक है जो लिंग्विस्टिक्स की शुरुआती किताबों में से एक मानी जा सकती है। अगर आप अष्टाध्यायी को चाहें तो विकिपीडिया भी कर सकते हैं। विकिपीडिया एक आजकल के टाइम पे एक अच्छा सोर्स है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो इसका बेहतर यूज़ करेंगे। अब देखिए अष्टाध्यायी के बारे में ये आर्टिकल है, ये कह रहा है आर्टिकल कि अष्टाध्यायी इज अ ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म ऑफ अर्ली इंडो आर्यन संस्कृत ऑथर्ड बाय संस्कृत फिलोलॉजिस्ट
तो मैंने आपको बताया था कि पहले लिंग्विस्ट को क्या कहते थे, फिलोलॉजिस्ट कहते थे। तो पहले फिलोलॉजिस्ट कहते थे, बाद में लिंग्विस्ट कहने लगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिंग्विस्ट को पहले क्या कहते थे, ये भी एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन सकता है, दो नंबर का। ऑथर्ड बाई संस्कृत फिलोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर पाणिनि, डेटेड अराउंड 500 BCE, यानी आज से लगभग 2700 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। और इट डिस्क्राइब्स द लैंग्वेज एज करेंट इन इट इन हिज टाइम, स्पेसिफिकली द डायलेक्ट एंड रजिस्टर ऑफ एन एलीट ऑफ मॉडर्न स्पीकर्स रिफर्ड टू बाई पाणिनि हिमसेल्फ एज सिस्टा। यानी जो उस समय के मॉडर्न स्पीकर्स थे, एलीट स्पीकर्स थे, उनको पाणिनि ने क्या कहा है, उनके लिए पाणिनि ने एक वर्ड यूज किया है, वो वर्ड है सिस्टा। और इस सिस्टा, ये जो सिस्टा लोग थे, जो लैंग्वेज के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स थे, इन लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज को बहुत ही साइंटिफिक रूप से स्टडी किया है पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में। द वर्क ऑल्सो अकाउंट्स बोथ ऑफ सम फीचर्स स्पेसिफिक टू द ओल्डर वैदिक फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज एज वेल एज सर्टेन डायलेक्ट्स डायलेक्टिकल फीचर्स करेंट इन ऑथर्स टाइम। तो जो वैदिक एज में पुरानी लैंग्वेज थी उसको भी स्टडी किया है उन्होंने, और जो उपभाषाएं थी, जो डायलेक्ट थी, उसको भी स्टडी किया है पाणिनि ने अपनी किताब में। तो आप देखेंगे लगभग 2700 साल पहले भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी इंडिया में हो रही थी। तो इसलिए पाणिनि की अष्टाध्यायी एक इम्पॉर्टेंट बुक है और ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो स्टडी शुरू हुई वो 20th सेंचुरी में होती है, और ये अर्ली 20th सेंचुरी में है जब फर्डिनेंड सशोर एक बुक लिखते हैं 1916 में, राइट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट हिम इन डिटेल। और फिर एक और है, जे एल ऑस्टिन राइटर हैं, 1962 में ये अपनी थियोरी ऑफ लैंग्वेज देते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और नोम चॉम्स्की का बायोलिंग्विस्टिक अजम्पशंस 1957 से शुरू होकर के आगे तक आता रहता है, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ लोग हैं जिनको आप लिंग्विस्टिक्स का जो फॉर्मेशन है, जो आज का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं। कुछ समझ में आया? Yes, sir. So, लिंग्विस्टिक्स की तीन डायकोटमीज हैं। थ्री डायकोटमीज का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री डायकोटमीज? मतलब लिंग्विस्टिक्स को समझने के तीन एस्पेक्ट हैं, तीन तरीके हैं। आप इस तरीके से लिंग्विस्टिक्स को समझ सकते हो। पहला है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स वर्सेस डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, दूसरा है थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स वर्सेस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, और अगला है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स वर्सेस मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। ये तीन ऐसे पार्ट डायकोटमीज हैं, तीन एस्पेक्ट्स हैं, तीन डिविजन्स हैं, जिनके आधार पर आप लिंग्विस्टिक्स को समझ सकते हो। इसको आप लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस हैं उनको मैं अलग से बताऊंगा। ये लिंग्विस्टिक्स के आप कह सकते हैं कि तीन डायकोटमीज हैं, या लिंग्विस्टिक्स को देखने के तीन अलग अलग तरीके हैं। सिंक्रोनिक डायक्रोनिक मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगा। सिंक्रोनिक का मतलब होता है एक दिए गए समय पर लैंग्वेज की स्टडी करना। जैसे अगर मैं 2022 में हिंदी लैंग्वेज की स्टडी करूं और देखूं कि हिंदी लैंग्वेज इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, जापान में, हिंदी लैंग्वेज जो बोली जाती है अलग अलग देशों में, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, या इंडिया में ही इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, और दिल्ली में, और पंजाब में जो हिंदी बोली जाती है, उसमें क्या अलग अलग डिफरेंस है, तो उसे कहा जाएगा सिंक्रोनिक स्टडी। यानी गिवन टाइम में, एक ही दिए गए समय में जो स्टडी की जाती है वो सिंक्रोनिक स्टडी होती है। डायक्रोनिक वो स्टडी होती है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ होती है। यानी कि डायक्रोनिक स्टडी में हम लैंग्वेज के दो अलग अलग टाइम का सैंपल लेते हैं। जैसे अगर हम विलियम शेक्सपियर के टाइम की इंग्लिश को अलेक्जेंडर पोप की टाइम की इंग्लिश के साथ कंपेयर करके स्टडी करेंगे साइंटिफिकली, तो उसे कहा जाएगा डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो एक सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स हो गया,
और एक डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स हो गया, राइट। सिंक्रॉनिक स्टडी मैंने आपको बताया और डायक्रॉनिक बताया, ये समझ में आ गया या दोबारा बता दूं? अगर कोई बोल नहीं रहा इसका मतलब समझ में आ गया। आर यू देयर, आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके गुड, यस सर, गुड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, थियोरेटिकल, द सेकेंड डायकोटमी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि थियरी लिंग्विस्टिक्स की, यानी लैंग्वेज की थियरी, एक नियम बनाना, कानून बनाना, उसकी सहायता से जब आप लिंग्विस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उसे थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। जबकि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो होती है वो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी होती है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि लिंग्विस्टिक्स के अलग अलग फील्ड में स्टडी किया जाता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज यूज होती है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो एक तो सामान्य बोलचाल की भाषा हो गई, दूसरा कंप्यूटर वाली भाषा हो गई। तो दो डिसिप्लिन आ गए इसमें, एक जनरल डिसिप्लिन और एक कंप्यूटर का डिसिप्लिन। फिर मेडिसिन का डिसिप्लिन आप ले सकते हो, जर्नलिज्म का डिसिप्लिन ले सकते हो। ये सारे डिसिप्लिन्स को जब हम अलग अलग करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज जहाँ जहाँ अप्लाई की गई है उस एप्लीकेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उसके उस पर आधारित हम कॉन्क्लूजन निकालते हैं, तो हमारा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स होता है। थियोरेटिकल इज बेसिक थियरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि लिंग्विस्टिक्स में आप मॉर्फोलॉजी में चले गए, मॉर्फोलॉजी में आपने कहा कि मॉर्फीम क्या होता है और मॉर्फीम को डिवाइड कैसे करते हैं, कि मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम क्या है, बाउंड मॉर्फीम क्या है, वो आपका थियोरेटिकल हो गया। लेकिन द मोमेंट यू इंटर टू द एरिना ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, इट इमिडिएटली बिकम्स इंटरडिसिप्लिनरी, विच आइडेंटिफाइज, इन्वेस्टिगेट्स एंड ऑफर सॉल्यूशंस टू द लैंग्वेज, टू लैंग्वेज रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, राइट। जो रियल लाइफ एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिकंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ते हो तो डिकंस्ट्रक्शन की एक थियोरी है, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि डिकंस्ट्रक्शन की थियोरी को आप अपने घर में अप्लाई करके दिखाइए, तो वो एप्लीकेशन हो गया। तो ये सेकेंड डाइकोटमी है, समझ में आ रहा है कुछ? अब हम चलते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स होता है जब हम लैंग्वेज के विदिन जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, और मैक्रो का मतलब होता है आउटसाइड। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का मतलब हुआ कि जब हम लैंग्वेज की बाहर की चीज़ों से लैंग्वेज के को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये वाले जो टर्म्स हैं ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप एक बार विकिपीडिया में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपका आज सिर्फ परिचय करा रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लिंग्विस्टिक्स बिल्कुल नहीं आती है, उसके आधार पे मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि हाई फाई चीज़ें अगर आपको पढ़कर आई जाएंगी तो आपको नहीं आएगा, राइट। सो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज सिस्टम्स इन द अब्स्ट्रैक्ट विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग और नेशनल कंटेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस। इन माइक्रो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज इज रिड्यूस टू द अब्स्ट्रैक्ट मेंटल एलिमेंट्स ऑफ सिंटैक्स फोनोलॉजी। इट कंट्रास्ट विद माइक्रो लिंग्विस्टिक्स विच इंक्लूड्स मीनिंग्स एंड स्पेशली विद सोशियो लिंग्विस्टिक्स विच स्टडीज हाउ लैंग्वेज एंड मीनिंग फंक्शन विद इन ह्यूमन सोशल सिस्टम। सो टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू, मैं आपको इसको बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आसान भाषा में ये है कि जब हम लैंग्वेज को एक टूल समझ करके उसको
साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और हम उसको एक तरीके से जनरल लाइफ से काट देते हैं और उसको एक जगह रख के एक लैब में स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स होती है। जैसे आप फोनोलॉजिस्ट करते हो, माइक्रो मॉर्फोलॉजी करते हो, स्टडी सिंटैक्स करते हो, ये सारा का सारा माइक्रो लिंग्विस्टिक्स आता है। मैक्रो तब होता है जब आप लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज की जो स्टडी है उसको उस लैंग्वेज के डिसिप्लिन से बाहर ले जाते हो। जैसे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स था लगभग वैसा ही, आप जब सोसाइटी में लिंग्विस्टिक्स के फंक्शन को देखते हो, लैंग्वेज के फंक्शन को देखते हो, तो वहाँ पर आपका वो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स हो जाता है। अब ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम, वेयर एज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज कॉन्क्रीट एंड माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम एंड इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। डू यू गेट दिस? आ रहा है कुछ समझ में या नहीं? कोई सब बच्चे हैं या चले गए? यस आ रहा है? चलो हैं तो तीन सर, तीन यस सर, छह लोग हैं। गुड, राइट। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट दी मेजर ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेज हैं साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, डायलेक्टोलॉजी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स। ये सारा हम लोग डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बेसिकली साइको लिंग्विस्टिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी का एक साथ बनने से जो डिसिप्लिन बनता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स आपकी सोसाइटी में लिंग्विस्टिक्स के फंक्शन को देखेंगे तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के साथ लिंग्विस्टिक्स को जोड़ देंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। डायलेक्ट के साथ को स्टडी करेंगे तो डायलेक्टोलॉजी हो जाएगा। कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के साथ लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। और जब हम मेथड्स वगैरह की बात करेंगे तो स्टाइलिस्टिक्स हो जाएगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज ब्रांचेज इन डिटेल इन आवर कमिंग क्लासेस एंड क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ दीज ब्रांचेस। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ विद द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यू कैन कॉल हिम फर्डिनेंड सश्योर। एंड टुडेज क्लास वॉज अ डेमो क्लास एंड इट इज जस्ट अ क्लास टू लेट यू नो दैट यू हैव टू स्टडी अ लॉट एंड इफ यू स्टार्ट लेट और इफ यू शाई अवे फ्रॉम टेकिंग एडमिशन एंड स्टार्ट प्लानिंग लेट, देन इन दैट केस देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू मे मिस द एग्जामिनेशन बाई 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स। सो प्लीज डोंट डू दैट, लेट्स स्टार्ट इट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लासेज एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट क्लास मोस्ट लाइकली टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू विद लिंग्विस्टिक्स फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days। थैंक यू फॉर टुडे, आई हैव जस्ट हेलो, इंट्रोड्यूस्ड यू विद द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे प्लीज आस्क। हेलो सर, प्लीज मैं यस प्लीज। सर इन क्लासेस व्हाट विल यू टीच? आई विल टीच द सिलेबस दैट इज गिवन बाई यूपी हायर एजुकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। देर आर 10 यूनिट्स ऑफ दैट सिलेबस दैट इंक्लूड्स, आई कैन शो यू द सिलेबस इफ यू आर अ बिट अनअवेयर अबाउट दैट। सो राइट, आई डोंट थिंक आई हैव द सिलेबस राइट नाउ, बट वी विल देर आर यू कैन सिंपली फाइंड इट ऑन।